दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल, योर ऑनलाइन पार्टनर, एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। हम लोग चर्चा कर रहे थे मेंसुरेशन पे, क्षेत्रमिति। तो जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स था उसका हम लोग समबाहु, समद्विबाहु, इसके बाद का जो एरिया और पेरीमीटर था उसका क्या होगा, एरिया और पेरीमीटर कैसे डिराइव किया जाए, और उसका जो फाइनली जो एरिया होगा उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। बाय द वे, आज हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। तो क्वाड्रिलेटरल में जो आपका जो ज्योमेट्रिकल फिगर था वो हमने पिछले क्लास में ही, जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो उस समय हमने डिस्कस किया था। तो ज्योमेट्रिकल फिगर में जैसे आपका आ गया क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, या फिर आपका ये रोम्बस, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, इस का जो हम लोग आ जाए पेरीमीटर और एरिया देखेंगे, और साथ ही साथ यदि कोई पॉलीगॉन हो उसका जो एरिया या फिर पेरीमीटर, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया या पेरीमीटर बहुभुज का कैसे निकाला जाएगा वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में आपको पता है, जो इसका जो आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। जैसे यदि कोई रेक्टेंगल बोल दे ए बी सी डी, तो यहाँ से क्या हो जाता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। ये जो है आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होती है। तो इसका जो देखिए एरिया, जब वैदिक सबसे पहले पेरीमीटर देखते हैं, पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका, ये देखिए पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, लेंथ, जो चार साइड है आपका, टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, या फिर जितना बाउंड्री का जो लेंथ है वही तो पेरीमीटर है हमारा। तो मान लीजिए इसका लंबाई एल है, ये बी है, तो ये एल है तो ये भी एल होगा, समान है और पैरेलल भी है, ये बी है तो ये भी बी होगा, तो एल प्लस बी प्लस बी मतलब टोटल क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, 2L प्लस 2B, 2L हो रहा है 2B हो रहा है, पेरीमीटर क्लियर है। अब एरिया जो होगा इसका क्या होगा, अब यहाँ से देखिए यदि हम एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं तो डायगोनल का लेंथ यहाँ से आप निकाल सकते हैं, डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री है, तो एक जो पाइथागोरस थ्योरम था उसमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका रूट ओवर हो जाएगा ये। तो जो डायगोनल का जो लेंथ होगा, जो कर्ण होगा या बिकर्ण का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब निकालते हैं इसका एरिया। एरिया क्या होगा, देखिए ये जो है आपका जो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी सी डी, दोनों जो है आपका सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे, देखिए आप एस 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 से भी सर्वांगसम कर सकते हैं, ये और ये, उसी तरह इस ट्रायंगल में ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, और ये जो आपका कॉमन है, एस 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 से भी दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होता है। मतलब ये हो गया कि यदि किसी एक ट्रायंगल का यदि एरिया निकाल लीजिएगा तो उसका ये डबल कर दें तो हमारा रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखिए इस ट्रायंगल का जो एरिया है, ट्रायंगल सी बी डी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एल इंटू बी, उसका डबल कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एल इंटू बी, इसका डबल, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू एल इंटू बी, यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। तो किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एल इंटू बी, मतलब बस लंबाई जो होगी मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, जो लेंथ है और जो विड्थ है, जो ब्रेथ है, दोनों को गुना करने के बाद आपको एरिया मिल जाएगा, और पेरीमीटर सबको जोड़ने के बाद मिल जाएगा, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, और डायगोनल का जो लेंथ होगा वो पाइथागोरस जो थियोरम है उसकी हेल्प से हम लोग इसका निकाल सकते हैं। और हमको पता है कि रेक्टेंगल का जो दोनों डायगोनल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, यहाँ से आप रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं, क्लियर। चल अब हम बात करते हैं स्क्वायर की।
स्क्वायर, स्क्वायर के बारे में हम लोगों को पता है इसका जो है क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है। यदि ए बी सी डी कोई एक स्क्वायर है तो यदि इसका साइड ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। बाय द वे रेक्टेंगल का जो हम लोग निकाले एल इंटू बी, जो रेक्टेंगल का आपका जो एरिया था, आयत का जो एरिया था वो क्या था, एल इंटू बी। और ये इस केस में क्या है, एल इक्वल टू बी इक्वल टू ए, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर, तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं जो हो गया ए स्क्वायर। बाय द वे ये भी आपका एस 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 से या आर एच एस से किसी से भी आप सर्वांगसम कर सकते हैं, ए ट्रेंगल इक्वल टू ए ट्रेंगल, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ए स्क्वायर और इसका एरिया भी हो जाएगा हाफ इंटू ए स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए मतलब टोटल हो गया आपका ए स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता था एल इंटू बी, तो उसकी का स्पेशल केस है स्क्वायर, जिसमें चारों साइड इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। उसमें बस सामने सामने की भुजा इक्वल थी, इसमें जो है चारों साइड इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो रेक्टेंगल का ये था, तो स्क्वायर का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये क्या हो गया आपको ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यदि हम पेरीमीटर निकाले, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए फोर ए, मतलब फोर चार जो परिमिति होगी इस स्क्वायर की, वर्ग की, क्या होगा चार इंटू एक भुजा करने से मिल जाएगा। डायगोनल किसका क्या हो जाएगा, डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा, देखिए वही है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका रूट ओवर टू ए स्क्वायर इंटू टू ए स्क्वायर का रूट ओवर, मतलब रूट टू इंटू ए, तो डायगोनल क्या हो गया रूट टू इंटू ए, ठीक है। या फिर आप रेक्टेंगल का जो था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी तो 90 फॉर्म हो रहा था तो वहाँ से निकाले थे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दोनों का सम का रूट ओवर, उसी तरह से ये भी निकाल सकते हैं ए ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसका जो रूट ओवर करते हैं वहाँ से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे डायगोनल क्या हो गया रूट टू इंटू ए, ठीक है। चलिए और ये हो गया आपका स्क्वायर, स्क्वायर के बाद हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी शायद आपको याद होगा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, उसमें क्या उसका था, जो आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है और पैरेलल होती है, ठीक है। मतलब रेक्टेंगल को ही थोड़ा सा हम लोग यदि झुका देते थे तो हमारा ये बन जाता था, ठीक है। तो बाय द वे पैरेललोग्राम का जो एरिया निकालेंगे, हमारे नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ठीक है। तो यदि आप इस तरह यदि सी डी का लेंथ दिया हुआ रहे और यदि मान लीजिए कि लेंथ हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम दिया हुआ रहे, तब तो आप सीधा आधार इनटू जो सिलसिला में उसका लगा सकते हैं आप। तो उस केस में जो होगा एरिया जो होगा ए बी सी डी जो आपका पैरेललोग्राम है वो कितना हो जाएगा, मान लीजिए सी डी लेंथ है और इसको हम एच कह देते हैं, सी डी इंटू एच, ठीक है। मतलब जो बेस है मल्टीप्लाई बाय जो हाइट हो गया वही आपका क्या हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक। अब चलिए इसका और एक देखते हैं, उसे प्रॉपर्टीज पे देखते हैं। मान लीजिए बी डी एक हम यहाँ पे डायगोनल है, ठीक है, बी डी डायगोनल है, तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि दो ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है, ठीक है, और ये है, ये भी एस 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 से दोनों जो ट्रायंगल है आपका सर्वांगसम हो गया। अब जो जब दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गया तो किसी एक का जो है आप निकाल के उसका डबल कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एच वन, ठीक है, तो इस h जी दिया हुआ है तो इसका जो एरिया निकालेंगे कैसे निकालेंगे, किसी एक ट्रायंगल मान लीजिए हाफ इसका विकर्ण जो है आपका बी डी, ये बी डी को मान लीजिए d कह देते हैं या d1 कह दीजिए, तो d1 इंटू आपका h हो गया, ये ट्रायंगल का हो गया और इसका जो है क्या करते हैं डबल कर देते हैं, है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा d1 इंटू एच, मतलब ये हो गया कि ये जो आपका डायगोनल मल्टीप्लाई बाय किसी एक में जो आपका हाइट रहेगा
गुना कर देने से ही आपका वहाँ से आ जाएगा, ठीक है, डी वन इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, तो ये रहा आपका पैरेललोग्राम। तो हमने क्या देखा कि एरिया जो हो गया, यदि आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया हुआ है तो बेस इंटू हाइट करने से आपका आ जाएगा, और यदि आपका एक दिया हुआ डायगोनल दिया हुआ है और डायगोनल पे जो है किसी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो उसका लेंथ जो दिया हुआ है तो डी वन इंटू एच हाफ इंटू डी वन इंटू एच करने से एक ट्रायंगल का निकलेगा, तो उसको डबल कर देंगे तो पूरा हमारा पैरेललोग्राम का जो है एरिया निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रोम्बस समचतुर्भुज पे। समचतुर्भुज में क्या होता था, चारों साइड जो होता था वो इक्वल होता था, एसी का स्पेशल केस होता था स्क्वायर, चारों साइड इक्वल और सारा एंगल जो था 90 डिग्री होता था। लेकिन इस केस में जो है देखिए ये 90 नहीं होगा, समचतुर्भुज का बस एक ही प्रॉपर्टीज है कि जो है आपका परपेंडिकुलरली आपको यहाँ पे काटता है, लेकिन चारों साइड जो है स्क्वायर की तरह 90 नहीं होता है। तो कैसे बनाइएगा इसको, तो पेरीमीटर यदि मांगे तो स्क्वायर की तरह ही हो जाएगा। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, 4/8, ठीक है। एरिया यदि मांगे तो इसको कैसे आप कर, मान लीजिए कि परपेंडिकुलर यदि दिया हुआ है तब तो आधार इंटू शीर्षलंब कर देंगे, बेस इंटू हाइट कर देंगे, तो आपको सीधा निकल ही जाएगा। तो ये 90 हो गया, तो यहाँ से यदि हम ट्रायंगल एबीडी का एरिया हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल लेंगे इसका, हाफ इंटू क्या हो जाएगा बीडी इंटू, ये मान लीजिए ओ यदि बोल दें तो ओए इस ट्रायंगल का हो गया। और इसकी जब हम बात करें, ये जो ट्रायंगल है इसका जब हम बात करें तो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू बीडी, और यहाँ पे जो आपका परपेंडिकुलर है ओसी, हाफ इंटू बीडी इंटू ओसी। यहाँ से आप कह सकते हैं हाफ, यहाँ से बीडी कॉमन ले लीजिए जो आपका एक डायगोनल है, और ये क्या हो गया आपका ओए प्लस ओसी, ठीक है, बीडी इंटू ओए प्लस ओसी, और ओए प्लस ओसी जो है वो क्या हो जाएगा आपका एसी, मतलब ये हो गया हाफ इंटू बीडी इंटू एसी। यदि एक डायगोनल को हम डी वन कह दें, दूसरे डायगोनल को यदि हम डी टू कहते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हाफ एरिया जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। ये समचतुर्भुज के लिए, रोम्बस के लिए जो रोम्बस का जो भी केस होगा वो यदि दो डायगोनल को गुना करके उसका जो हाफ होगा वही वहाँ से आप उसका कैलकुलेट कर सकते हैं रोम्बस, ठीक है। समचतुर्भुज का जो होगा, तो पैरेललोग्राम का देख लिए आप, समचतुर्भुज का देख लिए, रेक्टेंगल स्क्वायर का आप देख लिए। अब चले आइए ट्रेपेजियम पे। ट्रेपेजियम पे एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चन आता है, अब देखिए ट्रेपेजियम क्या है, ये ट्रेपेजियम बना लेते हैं, समलंब चतुर्भुज मान लीजिए ए बी, इसमें क्या प्रॉपर्टी होता है कि ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, ये तो ना है, एक ही प्रॉपर्टीज है क्या, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो हम इसका यदि हम पेरीमीटर निकाले तब तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये जो जैसे है वो आपको निकालना पड़ेगा। इसका यदि हम एरिया निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इस पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है। अब जो होगा इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया तीनों मिला के जो है आपका टोटल जो होगा ट्रेपीजियम का समलंब का एरिया निकल जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज क्या इसका एरिया हम लिखते हैं, मान लीजिए इसका कोई नाम दे देते हैं, ई कह दीजिए, इसको एफ कह दीजिए, हाफ इंटू क्या हो जाएगा इसका एरिया, ये ट्रायंगल है ये परपेंडिकुलर है तो हाफ इंटू डी प्लस जो है हाफ इंटू डी मल्टीप्लाई बाई ए, ये परपेंडिकुलर हो गया आपका डिस्टेंस, ये जो हो जाएगा इसका, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा आपका जिस पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ई एफ मल्टीप्लाई बाई ए, ए मल्टीप्लाई बाई प्लस
ए मल्टीप्लाई बाई आपका ई एफ प्लस ई स्ट्रेंग क्या हो जाए सी एफ मल्टीप्लाई बाई एफ बी, सी एफ मल्टीप्लाई बाई एफ बी, ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं हाफ। यहाँ पे ए है, अच्छा ए इक्वल टू एफ बी हो जाएगा, ए इक्वल टू ए रहेगा, ए इक्वल टू एफ बी रहेगा। तो जब ए इक्वल टू एफ बी रहेगा तो हम लोग यहाँ से ए यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए और एफ बी है, तो कोई एक ले लेते हैं हाफ इंटू ए कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा डी ई प्लस टू ई एफ प्लस सी एफ। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे हाफ इंटू ए आ गया क्या डी प्लस टू ई एफ प्लस सी एफ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपको हाफ इंटू ए। अब ए देखिए क्या है, दोनों का जो पैरेलल जो लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस है, मल्टीप्लाई बाय डी प्लस सी एफ, डी प्लस सी एफ प्लस टू ई एफ है, एक ई एफ ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, मतलब ए बी प्लस सी डी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हैं हाफ इंटू यदि ये जो आपका हाइट है ए, ए को हम लोग मान लीजिए कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू एच यदि बोल दिए, हाइट यदि एच बोल दें तो क्या हो जाएगा एच ए बी प्लस सी डी। अब ए बी प्लस सी डी जो क्या हो गया दो पैरेलल भुजाओं का योग। ठीक है, तो इस तरह इसको डिराइव किया जाता है। बाय द वे यदि इसका यदि हम सीधा रिजल्ट देखें, रिजल्ट में आपका क्या आ गया, यदि कोई सबलम्ब चतुर्भुज है तो उसका जो एरिया होगा क्या हो जाएगा, सबलम्ब चतुर्भुज का एरिया क्या होगा हाफ इंटू आपका जो है जो हाइट होगा दोनों जो पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होगा मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस सी डी। मतलब कह सकते हैं इसको कि इंटू जो है हाइट कह दी या समांतर भुजाओं के बीच की दूरी प्लस मल्टीप्लाई बाय समांतर भुजाओं का योग, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं की बीच की दूरी। ठीक है, अभी तो यदि आपको इस पर यदि कोई क्वेश्चन देगा तो क्या क्या एरिया है वेरिएबल, हाइट वेरिएबल है, ए बी वेरिएबल है और सी डी वेरिएबल है, इसमें से कोई एक जो है आपको बाकी सारा दे देगा, कोई एक बोलेगा निकालने के लिए, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबलम्ब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबलम्ब चतुर्भुज का जो आपका क्षेत्रफल है जो एरिया निकालने के लिए कहा जाता है ये हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई बाय जो ये जो दूरी है बीच की जो दूरी है वो आपका ये हो जाता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये होता है। ठीक है, चलिए ये तो आपका जितना टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुआ चतुर्भुज का जो भी प्रकार था उसके बारे में हम लोग देखे, उसके पेरिमीटर और एरिया के बारे में। अब हम बात करते हैं एक पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन में एक स्पेशल पॉलीगॉन है आपका हेक्सागोन, या कह सकते हैं रेगुलर हेक्सागोन बोलिए या फिर बोलिए इसको समषट्भुज, समषट्भुज छह भुजा है, एक दो तीन चार पाँच छः। आप देखते होंगे इसमें इजीली कि केमिस्ट्री जब पढ़ रहे होंगे तो बेंजीनिंग की बात आती है, तो बेंजीनिंग में जिस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता था और बीच में गोल देते थे, मतलब जो आपका बॉन्ड होता था इंटरल्यूड फैशन में होता था, तो उसी तरह का स्ट्रक्चर है रेगुलर हेक्सागोन समषट्भुज। समषट्भुज कहने का मतलब हो गया
इसका जितना भी साइड है वो सारा साइड जो है आपका बराबर होगा इन लेंथ, ठीक है। और जो एंगल होगा, ये जो एंगल देख रहे हैं इंटरनल एंगल जो भी है वो जो इक्वल होगा, ठीक है। हम लोग पॉलीगॉन पे बात किए हुए थे जिसमें हमने बताया था कि जो इंटरनल एंगल हो निकालने का जो प्रोसेस है 180 इंटू एन माइनस टू बाई एन एक इंटरनल एंगल, और एक्सटर्नल एंगल निकालने का कंसेप्ट हमने देखा था। वहाँ से भी पॉलीगॉन से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो यदि हो सके तो उसको फिर से एक बार देख लीजिएगा कि हेक्सा जो भी रेगुलर पॉलीगॉन है उसका जो इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल जो है कैसे हो, और उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे भी बात किए हुए थे हम। तो चलिए, तो रेगुलर हेक्सागन के केस में जो है एक एंगल कितना होगा बताइए। हेक्सागन है मतलब एन इक्वल टू सिक्स, एंगल कितना हो जाएगा डिवाइड बाई सिक्स, एन की जगह पे सिक्स रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल आपका एंगल आ गया कितना 120 डिग्री, मतलब ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका प्रॉपर्टीज देखिए क्या है। अब देखिए इस सेंटर पे भी यहाँ पे एंगल बन रहा है कितना 360, तो इसको छह भाग में बांटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और ये जो होगा दोनों ट्रायंगल, देखिए ये सारा जो साइड है ये आपका इक्वल हो रहा है, ये जो देख रहे हैं आप, मान लीजिए कुछ नाम दे दीजिए आप, यदि इसको ओ, इसको ए बी सी डी ई एफ, तो ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू, क्योंकि आपका ये जो देखिए ये एंगल और ये एंगल तीनों बराबर हो जाएगा। सम षटभुज के केस में जो है तीनों जो साइड है, ये साइड, ये साइड और ये साइड तीनों बराबर हो जाएगा, मतलब ये इक्विलेटरल केस, इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस हो गया, समबाहु त्रिभुज का केस हो गया। तो इसका जो एरिया निकालिएगा, एरिया ऑफ हेक्सागोन क्या हो जाएगा, ये रूट थ्री बाय फोर इंटू, मान लीजिए जिसका साइड लेंथ दिया हो यदि एड है, सारा यदि आपके ए ए हो गया, तो रूट थ्री बाय फोर इंटू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए सिक्स से, ये जो भी हुआ आपका टोटल एरिया ऑफ आपका सम षटभुज आ गया, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ सम षटभुज क्या हो जाएगा, रूट थ्री बाय फोर इंटू ए स्क्वायर, ये आपका एक ट्राइंगल जो है समबाहु त्रिभुज का, और मल्टीप्लाई बाय सिक्स एरा। आज का आपका जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल था और जो हेक्सागोन था उसका जो हम लोग एरिया जो है किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करेंगे इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है, और सर्किल के बारे में थोड़ा कुछ बचा हुआ है, तो सर्किल पे और जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर सीटेट के एग्जामिनेशन में आया हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।